रघुवंश प्रसाद जी, आज बजट भी पेश हो रहा है, क्या कुछ बिहार बजट को लेकर? पहले भी एक साल पहले इस सरकार का बजट हमने देखा है, आर्थिक मंदी हो गई दुनिया भर में, सभी मुल्कों से हमारा घट गया जीडीपी ग्रोथ। पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सभी से हमारा जीडीपी ग्रोथ नीचे चला गया। बेरोजगारी अलग बढ़ रही है। 2,25,000 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशल फंड और लेकर के इन्होंने खर्चा किया। 2,25,000 करोड़ बड़े लोगों का टैक्स इन्होंने माफ़ कर दिया, बड़ी कंपनियों का, और मंदी में कोई सुधार नहीं हुआ। 4.5 ग्रोथ लोग बता रहे हैं, लेकिन असल में 2.5 ग्रोथ हो गया। ये कुछ आंकड़े का कुछ होता है, हेरा फेरी भी हो रही है, तो इसलिए आर्थिक हालत चौपट है। और ये अपना प्रचार में मस्त हैं, CAA में ओझरा दिए लोगों को, कोई मतलब है? जो इस देश में अगर नागरिक 10 वर्ष रहते हैं तो हो ही जाते, लेकिन झंझट खड़ा किए इन्होंने। संविधान विरोधी भेदभाव वाला कानून कर दिया, ऐसे देश भर में कोलाहल मचा हुआ है। लेकिन ये तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जनता में ना ताकत होती, आप में क्या ताकत है? जनता इनको 1 मील पीछे हटा देगी। ठीक है।